हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज भी मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है गेमिंग कम्युनिटी से। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और हाँ गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला अपडेट है फुकरा इंसान के बारे में। सो उन्होंने कल एक वीडियो अपलोड किया जहां पे वो अपने डिस्कॉर्ड मेंबर्स के क्वेश्चन आंसर दे रहे थे। तो उनको काफ़ी बार ये सुनने को मिलता है वो ट्रिगर्ड इंसान के भाई है इसलिए उनको फेम मिलता है। तो इसी के ऊपर रिस्पॉन्स करते हुए उन्होंने कुछ ये आंसर दिया है, तो आप देखिए। मेरा क्वेश्चन है कि सब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ट्रिगर्ड इंसान के भाई हैं तो आपको इसलिए फेम, तो आप इस पर कुछ अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? देखो ऐसा है कि ऑब्वियसली वो मेरा भाई है एंड उसके सब्सक्राइबर्स मेरे से ज्यादा है, बट जब हमने स्टार्ट करा था तब ट्रिगर्ड उस लेवल पे नहीं था, उसके अराउंड 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे एंड मैं उसके साथ मतलब 10 वीडियोस में एक वीडियो ही करता था स्टार्टिंग में, आप नोटिस कर सकते हो। बट अब कोई मेरे को ये बोलेगा कि रिगर्ड, अब देखो ऑब्वियसली उसके 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो लोग यही बोलेंगे कि उसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है तो उसकी वजह से फेमस हुआ। बट ब्रो ऐसे बहुत क्रिएटर्स हैं, निश्चय से भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके भाई बहन के भी चैनल्स हैं, बट व्हाट आई बिलीव कि लॉन्ग रन में पीपल वोंट सी कि आप किसके भाई हो किसके बहन हो, लोग यही देखते कि आपका कंटेंट क्या है क्या नहीं। एंड आई थिंक आई एम डूइंग जस्टिस टू माय कंटेंट, मैंने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बनाया, इवन आई एम प्लानिंग टू मेक मोर कंटेंट जो बहुत डिफरेंट हो। एंड अगर भगवान की कृपा रही अच्छी हुई तो हम भी जहां निश्चय भाई इस लेवल पे हैं हम भी उस लेवल पे पहुंचेंगे। एंड जब हम सेम लेवल पे आ गए तो फिर कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम इसकी वजह से हो या उसकी वजह से हो या फलाना। आई एम वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स इट। हां ऑब्वियसली ही इज माय ब्रदर, तो जो इनिशियल बूस्ट मिलता है तो वो मिलता है एंड आई एक्सेप्ट इट, बट ऑब्वियसली इन लॉन्ग रन कोई मैटर नहीं करता, जो आपको ऑडियंस से कनेक्ट होता है एंड आप कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हो वही मैटर करता मेरे। नेक्स्ट अपडेट है एंड्रोबी के बारे में। सो एंड्रोबी एंड गेमरफ्लीट एक कोलैब वीडियो बनाया जहाँ पे ये दोनों क्रिएटर गेस द मूवी बाय इमोजी चैलेंज कर रहे थे एंड जो रॉन्ग आंसर देगा उनको पनिशमेंट भी मिलेगा। सो ऐसा हुआ है एंड्रोबी के साथ जहाँ पे उनको ट्वर्क चैलेंज मिला है, ये बहुत ही फनी मोमेंट है इसलिए मैं इस पार्ट को आपके लिए ले आया हूँ, तो आप देखिए। चलो उठो बेटा उठो, यू नो व्हाट्स कमिंग ब्रो। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। मैं किसी को दिखाने लायक नहीं पाऊं। ओ भाई मैं इतना कुछ। नेक्स्ट अपडेट है ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये कवर किया था, ट्रिगर्ड इंसान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए शूटिंग कर रहे थे एंड कल वो अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट किया जहाँ पे उन्होंने ये अपडेट दिया है, सी आई एम स्माइलिंग लाइक क्रेजी कॉज समथिंग रियली ह्यूज इज कमिंग अप, लाइक दिस इज वे बियॉन्ड आई कुड एवर इमेजिन सून। सो गाइस मुझे लगता है कुछ बिग अनाउंसमेंट होने वाला है। सो अगर इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ट्रिगर्ड इंसान रिलेटेड और एक न्यूज है, तो ऑलमोस्ट 4 मंथ के बाद ट्रिगर्ड इंसान अपने सेकेंड चैनल लाइव इंसान पे ग्रैनी 3 खेला है। तो आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है GamerFleet के बारे में। सो कल GamerFleet उनके अंशु बिस्ट व्लॉग चैनल पे एक व्लॉग वीडियो अपलोड किया जहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने पापा से मिलवाया है। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उस वीडियो में से छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप देखिए। तो गाइस ये है मेरे पापा, तुम लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि पापा दिखाओ, तुम्हारे पापा नहीं देखे। तो मेरे पापा इसलिए नहीं आते ज्यादातर क्योंकि मेरे पापा सुबह के 5 बजे के आसपास यार निकल जाते घर से और उसके बाद फिर एकदम लेट आते और रात को शायद 2 बार गए ना, तो वही रहता है पापा का काम का मतलब। तो एक तरह से ये है हमारे घर की नींव, मतलब आज हम लोग जो भी हैं जितने भी हैं पापा और मम्मी की वजह से है। तो पापा ने अपनी लाइक 30 साल दे के हमको यहाँ तक पहुँचाया जहाँ पर आज हम हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, मतलब इतने महंगे स्कूल में पढ़ना सब कुछ हमारे बस का वैसे नहीं होता, बट पापा ने अपनी एक तरह से पूरी जवानी देके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। और अभी पापा तुम खुश तो हो ना अभी, मतलब खुश है। बस मैं चाहता हूँ कि इस साल के एंड तक का, मैं तो देखो पापा से बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि पापा घर में बैठ जाओ जॉब मत करो, बट इस साल के एंड तक का मैं पक्का करूँगा कि कैसे भी पापा बस अपनी जॉब वॉब छोड़ दे, मतलब समझ रहे हो तुम लोग, मतलब
ऐसे नहीं कि मैं बोलूंगा कि कर दो, तो हम लोग वो चीज करेंगे कि कैसे भी बस पापा को फ्री करना है इस साल के एंड तक का। सो गाइस आज के लिए न्यूज मेरे पास इतना ही था। आई नो बहुत ही न्यूज कम था, सो क्या करे, न्यूज कुछ नहीं आ रहा था, तो इंटरेस्टिंग यही कुछ न्यूज था तो मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में उस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।